ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो मैंने अपने जीवन में सीखा, पहली बात संग के देखभाल करना है, हमें संग लेना है। मगर जब हम डायरेक्ट बड़ों से जुड़ते हैं तो हमें उनकी पालना मिलती है, उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही रहा कि मैं सीधा अपनी दादी गंगे दादी से, अपनी विद्या दीदी से जुड़ी रही, और इनका मनोबल, इन्होंने जो है हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया। अगर कभी भी मैं कहती थी ऐसा होता है वैसा होता है, हमारी गंगे दादी ने और हमारे विद्या दीदी ने कभी नहीं कहा कि तुम ही क्यों करती हो, तुम्हारे और भाई बहन भी हैं। और एक बात आपको और बताना रह गई है कि ये सेंटर भी सेंटर कैसे बना। जैसे मैंने कहा, पिता ने तो मेरे सोचा था कि एक कमरा बनवा के दे देंगे, छोटी मोटी गीता पाठशाला चलाती रहेगी। मगर जब 2001 में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ तो ड्रामा अनुसार उनके सेवा के लिए आगे उनके कोई बच्चे नहीं आए, मैंने ही उनकी सेवा की। तो जब वो बच गए, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, जब बच गए तो बस वो एक ही रट लगाते थे कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे सिर पर तो छत भी नहीं है। तो मैं कहूँ पिताजी आप ठीक हो जाओ फिर जो मर्जी हो कर लेना, नहीं मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, वो एक ही बात कहते थे। तो उन्होंने मन में बना लिया कि मुझे ये मकान तुमको देना है। जब वो ठीक हुए एक साल बाद तो उन्होंने जिद पकड़ी, ये मकान तुमको देना है, मुझे ले चलो। मैंने कहा पिताजी ये मकान के ही कारण झगड़े होते हैं, मुझे मकान नहीं लेना है। बोले, मैंने कहा आपने तो ये मकान दो पोर्शन में बनवाया था, एक छोटे भाई के लिए और एक मेरे लिए। खैर बड़े भाई से तो उनका कोई कनेक्शन सालों से नहीं रहा, तो आपने तो कहा था। अच्छा जब मकान बन रहा था तो मैंने उनसे कहा था पिताजी स्टोर मुझको दे दो, मुझे मेरे पास तो स्टोर है नहीं, तो मैं क्या करूँगी। तो कहा कि देखो बेटा मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, पीछे इतना बड़ा क्लासरूम तुमको बना के दिया है तो स्टोर जो है छोटे भाई के हिस्से में जाएगा। और उन्होंने मकान भी बनवाया तो डिटो एक ही जैसा नक्शा उन्होंने दो पोर्शन किए उसके। तो उन्होंने आधा देने की बात की थी, मगर उससे उनका जो उनका मनसा थी वो बदल गई, कहा मुझे तुम्हें देना है। अब इसमें ये चर्चा मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि आप समझें, जो भी सुनने वाले हैं, कि समझें ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है। उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर अच्छा आपको देना है तो आप ये ट्रस्ट को दे दो। मैंने बात दीदी को बोली, दादी को बोली, गंगे दादी को बोली, दीदी को बोली, तो दीदी बोली अभी तो आप लोग आबू जा रहे हो, ट्रस्ट का क्या नियम है, क्या है, विल करना है तो, क्योंकि विल की बात मैंने कही थी तो विल करना है तो रमेश भाई से बजा के बात करना, वो रमेश भाई हमारे ट्रस्ट के अभी तो वो नहीं है, वो जो है आबू में मिलेंगे आपको, तो आप उनसे बात करना मेरा नाम लेकर के क्या राय देते हैं। मैं उनके पास पहुंची, समय लिया उनसे, बात पहुंची, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बातें। रमेश भाई ने कहा कि आपके मम्मी पापा के पास में, पापा के पास कितने मकान हैं। मैंने कहा एक सिंगल मकान है। फिर कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, पहली बात तो विल नहीं, उन्होंने कहा विल नहीं होगी, विल चैलेंज हो जाती है। तो मैंने कहा कि फिर ट्रस्ट वो ये गिफ्ट डीड ले लीजिए। उन्होंने कहा कितने मकान हैं, मैंने कहा एक मकान है। तो कहा नहीं, गिफ्ट डीड भी नहीं लेंगे, क्योंकि उस मकान में फिर कोई गृहस्थी नहीं रहेगा। अब आप विचार कीजिए, विल के लिए मना कर दिया, लाखों रुपए का मकान अगर किसी भी किसी को मिल रहा हो तो वो क्या कहेगा, मकान तो दे दो, बात का लड़ाई झगड़ा तो हम बाद में देख लेंगे जब विल चैलेंज होगी। रमेश भाई ने मना कर दिया, वापस आ गए। जब वापस आए दादी को बोला तो दादी ने कहा है कि वो आपको मकान दे रहे हैं तो आप मकान ले लो, सेवाएं तो होती रहेंगी। तो फिर पिताजी ने वो मकान मुझको दे दिया, 2004 में बन गया। 2008 में जब समर्पित हुए तो फिर ये मकान वाया मेरे ट्रस्ट को गया। तो अब देखिए, पिताजी ने वायदा किया था तुम्हें सेंटर बना करके मैं दूंगा, तो वो सेंटर जाने अनजाने चाहे ना चाहे
वो भगवान ने ले लिया। जैसे सुदामा की पोटली के लिए कहते हैं ना, वो लेकर के गए थे मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी देने की, तो श्री कृष्ण ने वो चावल की पोटली उनसे छीन ली थी।